ऐसे लोग थोड़े गंभीर विचार के होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं और बड़े संतुलित बोलने वाले होते हैं। नीतीश कुमार भी कभी ओछी टिप्पणी इनके बारे में इन्होंने नहीं कहा है, बस इतना ही कहते हैं कि अरे आप भी तो सब जानते हैं, हमारे साथ थे तो कितना अच्छा था। अच्छा श्री मिथिलेश जी, आप ये बताइए कि कुंडली के कारण सरकार बनी तो नहीं रहे या अपनी आदतों के कारण नहीं रहे? क्योंकि भाई साहब बड़ा बोला करते थे, भाई साहब का बिना नीतीश के चलता ही नहीं था, अलग भाजपा की लॉबी कर रहे थे बिहार में। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम लोगों की कुंडलियां हम शनिवार के दिन खंगालते हैं और हमारे साथ रहते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश। तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव तक की कुंडली हमने खंगाली, क्या उनके आने वाले दिनों में क्या कैसा होगा, किस तरीके का उनका राजनीतिक जीवन रहेगा, तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार के बड़े करीबी किसी समय रहा करते थे और शायद आज भी अंदर ही अंदर निश्चित तौर पर होंगे, जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा के आज के समय में राज्यसभा के सांसद हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। जी हाँ, सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, नीतीश के बड़े दुलरुआ माने जाते हैं और हमारे साथ उनकी कुंडली पर चर्चा करने के लिए श्री मिथिलेश हमारे बिहार संवाददाता के ज्योतिषाचार्य हैं। मिथिलेश जी, पहले तो आपका स्वागत है, क्या कहती है? अब इंटरनेट पर जो इनकी कुंडली उपलब्ध है उनके अनुसार से इनका मीन लग्न और मेष राशि है। अब मीन लग्न जो है वो बृहस्पति की जल तत्व राशि है। ऐसे लोग थोड़े गंभीर विचार के होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं और बड़े संतुलित बोलने वाले होते हैं। लग्न में इनका बृहस्पति है जो यह दर्शा रहा है कि ये काफ़ी ज्ञानी भी हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी इनकी हुई है और भाग्य ने भी इनका बखूबी साथ दिया है। परंतु चतुर्थ भाव पर एक पाप ग्रह और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि के कारण जो है जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रियता इनकी नहीं रही, लेकिन सूर्य का दशम हाउस में होने के कारण सरकार से इनकी निकटता हमेशा बनी रही, आगे भी बनी रहेगी। आपने दो बातों पे खास करके टिप्पणी की कि एक तो ये है कि मतलब जनता से इनका लगाव नहीं रहा, तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि जनता के बीच में पॉपुलर नहीं रहे, हमेशा पिछले दरवाजे से चुन के जाते रहे, यानी कि विधान परिषद के मेंबर बन के हमेशा से गए हैं। और दूसरी रही कि सरकार से निकटता की बात, तो नीतीश कुमार से आज भी जैसा लगता है बड़े संतुलित संबंध इनके हैं, लेकिन सूर्य की दशा जो है बड़ी अच्छी है, जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश ने कहा कि सूर्य की दशा अच्छी है जिसके कारण इनके सरकार से संबंध बड़े अच्छे बने रहेंगे, लेकिन विवादों में भी रहे हमेशा कि नीतीश के बड़े नज़दीकी हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार भी कभी ओछी टिप्पणी इनके बारे में इन्होंने नहीं कहा है, बस इतना ही कहते हैं कि अरे आप भी तो सब जानते हैं, हमारे साथ थे तो कितना अच्छा था। तो क्या ये जो इनकी दोस्ती है ये टिका के रख पाएंगे या चलेगी? अरे अंदरूनी बात तो हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इनकी बृहस्पति की महादशा आरम्भ हुई है। हालाँकि बृहस्पति इनके कुंडी का लग्नेश है, सर्वाधिक शुभ ग्रह है, लेकिन परेशानी वहाँ पर यह है कि उस पर शनि की दृष्टि है। अच्छा, तो शनि की दृष्टि के कारण जब दोबारा इस बार जब सरकार बनी है उसमें वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे और भाजपा एक नए नेता ने और अच्छा श्री मिथिलेश जी, आप ये बताइए कि कुंडली के कारण सरकार बनी तो नहीं रहे या अपनी आदतों के कारण नहीं रहे? क्योंकि भाई साहब बड़ा बोला करते थे, भाई साहब का बिना नीतीश के चलता ही नहीं था, अलग भाजपा की लॉबी कर रहे थे बिहार में। अब ग्रह तो वो कारण तो बना ही देता है ना, वो ग्रही एंगल तो यहाँ थी ही, तो ग्रह उनको ऐसा माहौल बनाया कि उनको जो है भाजपा ने दोबारा मौका नहीं दिया, लेकिन शनि की वजह से जो है ऐसा हो पाया। अब देखिए, हिंदू धर्म में एक बात कही जाती है निश्चित तौर पर कि ग्रह जो है, ग्रह का कहीं ना कहीं संबंध हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जो कि निकल के सामने आता है। जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने कहा कि ग्रहों के कारण ही जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बन सके इस बार जो सरकार नीतीश कुमार में बनी, जबकि दो दो उप मुख्यमंत्री बने, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो दो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनका जो पत्ता है सुशील मोदी का पत्ता कट गया। उसका कारण ये भी है कि आपको हम बता दें कि शायद ये ग्रहों का ही प्रभाव है कि कभी ना कभी इन्होंने
2019 के पहले 14 से 19 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय इन्होंने कभी कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक सबसे अच्छा कैंडिडेट हैं, जबकि उस समय नरेंद्र मोदी के नाम की कहीं चर्चा भी नहीं थी। मैं अपने दर्शकों को ये ध्यान में दिला दूं, क्या ग्रह नक्षत्र के कारण आदमी कुछ बोल भी सकता है क्या कि ये कुछ बोल दिया जिससे बात बिगड़ जाए? हाँ बिल्कुल, उस वक्त चूंकि इनकी राहू की महाशा चल रही थी तो राहू हमेशा राजनीति में ऊंचाई देता है, और जब तक राहु की महादशा रही 2020 तक करीब तो वहाँ तक तो ये काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद जैसे ही बृहस्पति की महादशा आई तो बृहस्पति देव गुरु कहलाते हैं और उसमें जो है शनि की दृष्टि जो है उनके ग्राफ को जो है थोड़ा नीचे कर दिया सरकार। तो क्या कुछ सलाह देंगे इनको श्री मिथिलेश की, कोई पत्थर उत्थर पहने कि ग्रह दशा सुधर जाए? अगर ये पत्थर पहनना चाहे तो इनको खुराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनना चाहिए, पुखराज पहनते ही, लेकिन एक पत्थर पहनते हैं आपने देखा होगा, मार्क किया होगा? मुझे नहीं ज्ञात है कि कौन सा पत्थर पहनते हैं, लेकिन एक पुखराज और एक मुंगाई पहन सकते हैं। तो चलिए, हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश का ये कहना है कि यदि एक पुखराज और एक मूंगा यदि धारण करते हैं श्री सुशील मोदी तो शायद फिर से जो राजनीति के इनके दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं या दिख रहे थे वो खुल सकते हैं। अब तो ये 2019 के बाद राज्यसभा में भेज दिए गए, लेकिन 2024 और 2025 में इनका रोल बिहार में क्या होगा इस पर भी सबकी नज़र है, ज्योतिषाचार्यों की भी नज़र इन पर बनी रहेगी, लेकिन हमारी खास तौर पर बनी रहेगी क्या केंद्र के सत्ता तक पहुंच पाते हैं या बिहार में ही जैसे अभी भी हैं वैसे ही घूमते रह जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।